लेकर के चलो। कैसे आप सब और आप देख रहे हो आपका अपना हायाबुसा जोन। तो गाइस आज अपन करने वाले हैं भयंकर एक्सपेरिमेंट। क्या करने वाले हैं भाई? तो वो रही हमारी थार। लाओ भाई थार। अरे बच्चे का तो फोटो खिंचवा रहा गाड़ी के पास। अरे भैया शादी की फोटोग्राफी नहीं करते। ये आ गई है हमारी मॉडिफाइड थार। भाई आज अपन करने वाले हैं टग ऑफ वॉर। और जैसे मैं आपको बता दूं भाई, इन तीनों की स्पेसिफिकेशन बताता हूं। तो अपन करने वाले इन तीनों का टग ऑफ वॉर हायाबुसा से। तो पहले हायाबुसा को थार से करेंगे टग ऑफ वॉर, और फिर अपन हायाबुसा को ओला से करेंगे, और फिर देखते हैं कोई सब्सक्राइबर जा रहा हो तो उसकी गाड़ी या बाइक से टग ऑफ वॉर करेंगे, और देखते हैं कौन सी गाड़ी या बाइक ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले बात करेंगे हायाबुसा की पावर की। ये है 1340 सीसी है ये। मैक्सिमम टॉर्क देता है आपको 190 पीएस का। मैक्सिमम पावर देता है 190 पीएस का, और मैक्सिमम टॉर्क है 150 न्यूटन मीटर की टॉर्क। इसका वेट है 280 किलो। अब आते हैं उस पे ओला स्कूटर पे। प्रो है अपनी ओला की। इसमें 11 किलोवाट की बैटरी है, 5.5 की किलोवाट की कंटिन्यूस पावर देती है। 170 की रेंज है, रेंज वेंज का तो देखिए 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है बस। यानी कि वो 150 हुई है 58, तीन गुना पावर है हायाबुसा में, वो तो इसको फाड़ ही देगी भाई। अब थार के बारे में बात करते हैं। अब बारी है थार की। ये है डीजल इंजन 4x4 थार। ये मेरी पर्सनल थार है, और इसका जो आपको इंजन मिलता है ये है 2200 सीसी का इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 150 bhp की पावर, और टॉर्क है इसमें 300 से 320 तक न्यूटन मीटर तक। तो देखते हैं भाई आ जाओ कि कितनी पावर इसमें, कितनी थार में। आ जाओ सीन ऐसा है, बीच में जो है ये बंडल है, तो देखते हैं कौन आगे किसको खींचता है। तो पहले भूसा ऑन तो कर ले। कौन है भाई? मैं स्पीड भी नहीं दे रहा था, देखो अब हल्का सा ब्रेक कर रहा हूं। तो मैं पूरा मिट्टी हो। इसी के साथ मैं जीत चुका हूँ हायाबुसा विनर। भाई हायाबुसा का टायर घिस गया पूरा, हायाबुसा का भाई इतनी धूल मिट्टी उड़ी भाई, टायर घिसा था थोड़ा। ओला का भी और वहाँ का भी घिस गया। और यार देखना है जमीन भी उखड़ गई है भाई साहब, जमीन उखड़ेगी भाई, बहुत जान लगाई भाई ओला। ये देखो भाई ये हाथ थार में बांध रहे हैं ये वायर। भाई तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा भाई? अपन करने वाले हैं हायाबुसा वर्सेस थार की ड्रैग, मतलब क्या कहते हैं टग ऑफ वॉर। तो देखते हैं भाई कौन सी चीज जीतती है। भाई ये तो थार खींच के लेगी भाई हायाबुसा को। अब मैंने तो देश में भी नहीं दिया भाई। टायर ही घिस गया भाई। भाई ये तो पोपट हो गया। ये देखो भाई हायाबुसा ने पूरा कोशिश करी है छीलने की, लेकिन ये थार ले गई भूसा को। है ना जमीन दिख गई भाई, यहाँ पे तो स्लिप मारने लगी थी भूसा यार। तो क्या कहते हो भाई कौन जीता है? थार जीत गई है भाई। अभी अपन एक और बारी ट्राई करके देखते हैं, मैं थोड़ा ना पीछे ले लूं यहाँ पे घट्टा ज्यादा हो गया। चलो भाई 3 2 1
भाई इसके जो पत्थर उड़ उड़ के गए ना यहाँ पे पड़ 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 पड़े, वो तो अच्छा ही है था शीशा चटका नहीं। ये देखो यहाँ भी पड़ा है, यहाँ पे भी। भाई साहब तोड़ दी लाइट तूने यार, लाइट टूट गई, कर दिया नुकसान। ओ शिट भाई, इतना भयंकर लगा भाई, ये लाइट ही टूट गई है देखो यार। ये पड़ा ना, ये पड़े नीचे। अच्छा कोई मोटा पत्थर लगा है कोई? ये रहा ना, ये पत्थर लगा, ये रहा, ये रहा, ये वाला उड़ के गया था भाई साहब। ऑटो में और हायाबुसा में सेम जाना है। कौन सी? पहले ना ड्रॉ हो चुका है, तो अब एक और आगे करते हैं क्योंकि यहाँ गड्ढा हो गया है। लो लो हल्का सा लो, ये पट्टी रखती है अब सेंटर से ले भाई। भाई ऑटो वाला खींच के ले गया, बट मेरे को डर भी लग रहा था। ये देखो यहाँ तक व्हाइट पट्टी तक भूसा आ चुकी है बिल्कुल। कर पता है क्या, रेस में छोड़ छोड़ के दे रहा क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, बट मेरे हिसाब से मैं ड्रॉ है। है भाई ड्रॉ है, कोई पीछे नहीं गई, कोई आगे नहीं गया, बट ऑलमोस्ट क्लोज कॉल थी। हाँ तो ये चीज वो चीज है भाई, थोड़ा ना बाइक का भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं भैंस क्या खींचने के चक्कर में, बट मेरे हिसाब से ड्रॉ है। बट टायर वायर सब घुस गया यार, मेरा नुकसान हो गया टग ऑफ वॉर में, अपने को मेन रोड पे करना चाहिए था। तो भाई सीन ऐसा है, ये होला स्कूटर तो रीस्टार्ट पे चला गया, इसकी मोटर की ऐसी तैसी हो गई, इसमें तो बिल्कुल ही जान ही नहीं है। तो भाई अभी पटाखा चलाया बंदे, भाग लो। ए यार वो फूटा ही नहीं भाई, जल रहा है। ओ भाई गजब। तो भाई हो गई स्टार्ट, हो गई। ओ भाई स्टार्ट हो गई है, चलाइए ऑन करियो। हाँ हो गई, आवाज आ रही है, चलो जी। तो भाई अपने अपनी सारी गाड़ी बाइक लगा दी हैं, तो ये रही टियागो अपनी, थार ये रही अपनी। तो थार भी अभी सर्विस के लिए जाएगी, मेरी टियागो इंश्योरेंस के लिए गई है, जैसे मैंने आपको बताया था अक्षत ने ठोक दी थी। तो देखो टियागो वो है ही नहीं मेरी एंटोर, तो ये तो अक्षत की ठीक कराता है। मेरी अभी जो लाइट टूटी है अभी कल परसों मैं ठीक कराने जाऊँगा, तो बस बाकी तो ठीक है। तो मेरी गाड़ियों में जो नुकसान होता रहा था मैं हैंड टू हैंड ठीक करा था। देखो गाड़ी है, थुकती पिटती तो रहेगी, टायर घिसेंगे, सर्विस मांगेगी, तो बट टाइम टू टाइम अपडेट रखा करो ताकि आपको कहीं जाना सेल्फ मारो निकल लो। सो गाइस मैं आते ही सो गया था, और एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। आज भी खोलते हैं, ये दोनों हमेशा भोगने लग जाते हैं। ये क्या गंदगी करके रखता है यार, रूम साफ नहीं रख सकते? कपड़े पड़े हुए हैं ऐसे कच्चे, तो ये क्यों यार रखने की है? वहाँ बोतल पड़ी है, यहाँ सॉक्स पड़ी है, ये देखो। खोलो खोलो सरप्राइज। छोड़, मुंह से हड्डी निकाल, मुंह से हड्डी निकाल, मुंह से हड्डी निकाल कालू। इसके मुंह में ना कुछ रहता है, ये देखो देखो देखो, नहीं मानेगी। और वो बेचारा देखता रहता है, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई है जब से आई है, बेचारे को पूछता ही नहीं है। ओए नहीं नहीं, ये देखो देखो लड़ाई करो इनमें, ले कौन खाएगा, ये ले खा, देख ले ले डॉलर, ले ले तेल ले डॉलर अपने आप ही पीछे हो जाता है। मम्मी कहता है मोबाइल में गोरो जोन ही खुला रहता है, जरा ये वाली बागेश्वर वाला बाबा जी की खोलो वीडियो। हाँ मैंने सबकी ना कार रैलियां दिखाई थी, जो जो सेलिब्रिटीज आए थे, तो कुछ दिख रहा है इसमें, वीडियो दिख रही है, मैं दिख रही है। नीचे देखो ये देखो, हाँ बहुत साल हो गया, 20 साल हो गए, अभी 2 महीने पहले दूसरी आई थी। तो ये वीडियो मेरी गाइस वायरल हो रही है पूरे यूट्यूब पे और जगह जगह से कांग्रेचुलेशन। मैंने इस वीडियो इस चक्कर में वायरल होगी। देखो न्यूज में ना बहुत से लोगों ने ये नहीं बताया कि कौन सी गाड़ी से आया। अब मेरे को पता है यूथ को ना गाड़ियों का बहुत क्रेज है, तो मैंने सारे बाबाओं की गाड़ी मेरे सामने जा रही थी मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी है अभी मैं, है ना। तो कोई बाबा लैम्बोर्गिनी में आए थे, कोई वॉल्वो में आया कर्नाटका से, कोई कहीं से आए, और इतना अच्छा लगा मेरे को बाबाओं को देख के, और हमारा देश तरक्की कर रहा है, वो चीज मैंने कैप्चर करके डाल दी, ऐवी लिख दिया मैंने टाइटल। और टाइटल ना मेरे को दिमाग में नहीं आया, अपने को मनीषा ने बताया भाई ये टाइटल डाल दे, मैंने भाई मैं व्लॉग शूट कर रहा था उस दिन फायरवर्क का, मैंने डाल दिया। ओ भाई देखो तो वायरल।
तो भाई कभी कभी कुछ भी चीज ना चल जाती है, कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं भाई। देखो लोगों की ना क्यूरियोसिटी है कि जो बाबा की लाइफ होती है वो कैसे होती है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं भाई। बट मैंने देखी भाई बाबाओं की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है भाई। बेचारे सुबह 4 बजे से पूजा करते हैं बागेश्वर बाबा जी भाई पूरे दिन भर मीटिंग में रहते हैं, फिर कथा करनी, फिर आना, ट्रेवल, ये वो। तो भाई सब हार्डवर्किंग है भाई, तो हैट्स ऑफ है सारे बाबा जी को और प्रणाम है भाई जो हमारे देश को एक संस्कृति सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हमारे। मैं जा रहा हूँ जिम इतने, आप देखो ठीक है। तो भाई बहुत 6 महीने बाद मेरे अंदर फिर से मोटिवेशन आई है, मेरा ना पेट आ गया था भाई, ये देखो ये थुलथुलापन सा, ये पेट सा आ गया था, अब ये थोड़ा अंदर करूंगा अब जिम जाके। भाई अभी अपन आ गए हैं जिम और आज हमारा पहला दिन है। कैसे हो भाई, बहुत दिन बाद। प्रोग्रेस पे हो आप तो पूरा, आपने मेरे को छोड़ दिया ना अकेले अकेले कर रहे हो ना भाई, तुम घूम रहे हो। सही है, तुम मजे ले रहे हो। हमारे ईशान भाई है, कैसे ईशान भाई, अब काम पे वापिस लगना भाई। भाई आप तो जिम में भी ट्रोल करने लग गए तुम्हारे भाई को। जिम से बाहर निकलते ही देखो हमें कौन आया लेने, भूत आया। कैसे आ गया आज तुम जिम? मैं स्कूटी से आ गई। तो भाई मैं पहले दिन जिम गया हूँ ना, तो ये कुछ बना के लाइए मेरे लिए। बेचारी दूर से आई है, सिर्फ कह रही तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें हस्ट पुष्ट कर दूंगी एक ही दिन में, तुम्हें दारा सिंह बना दूंगा। गाड़ी में टियागो में ही घूमता हूँ रात को क्योंकि सब्सक्राइबर कम मिले। तो देखो भाई रात को बज रहे हैं करीब 1-2 बज रहा है और भीड़ देखो भाई पूरी गाड़ियाँ फुल है ना, तो हर कोई आता दर्शन करने, हम भी आए मत्था टेकने भैया। तो यहाँ पे भाई बिल्ली है जैसे कुछ है नहीं, ठंडी याद कर दी किसी को। अपन आ गए हैं भाई बंगला साहिब और देखो रात को भाई कितना सुंदर लगता है। और भाई यहाँ ना अभी रात को भीड़ भी नहीं होती तो इसलिए रात को आता हूँ मैं। मुश्किल से ठीक हुई थी मैं कोल्ड से, लेकिन मुझे फिर से हो जाएगा कोल्ड और हो गया, नाक बहना शुरू हो गई मेरी। सही है, इसको भी मार कर लाया, नाक बह गई ना। अब एक हफ्ते घर में बैठना है बिना मेरे को कॉल करे, बिना मेरे को चाटे। अब ये मेरे को चाट नहीं पाएगी गाइस। अब मैं जाऊंगा अपने नए दोस्तों के पास। यस, ओए होए होए। तो भैया मनीषा लाई है रात के 2 बजे अभी घड़ी में, बार बार ही घड़ी देखता हूँ, घड़ी रखी हुई है मैंने घर पे। मैट ना उसके मतलब जो स्ट्रैप था वो गंदा हो गया था तो मैंने धुलवाने के लिए दिए। ये वड़ा पाओ, ये तो छोटी टिक्की लग रही है, ये देखो वड़ा पाव एक चौथाई हाथ में आ गया। मैंने टाइट से पैक किया था ना इसलिए इतना सो गया। दम तो है वड़ा पाव। मास्टर शेफ और बताओ, नमक वगैरह सब ठीक है? ये अच्छा लग रहा है। तुम्हारी जिससे आज जो हुई ना मजा आ जाएगा उसके खाने में, कुक तो अच्छा बनाती है भाई। अब मेरे जो मेरे नहीं मानो जो व्लॉग ट्रेंडिंग में चल रहा था वो भी इसने एडिट करा था, मेरा एडिटर धोखा दे गया था मेरे को, उसको कोई काम था। और जो मेरा दूसरा एडिटर है वो तो छोड़ के चला गया, एडिटर की पोस्ट खाली अगर कोई है तो भैया मेल कर देना है ना, इमरजेंसी में कराने होते हैं क्योंकि मेरा एक एडिटर है बट आदमी को कहीं जाना पड़ जाता है तो बाई चांस के लिए स्पेयर में मेरे को एक चाहिए एडिटर। क्या है इस पिटारे में बुरांडा जी? कस्टर्ड है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। दिखाओ शक्ल दिखाओ। ओहे फ्रूट, मैं आज कसम से यही सोचा था मैं फ्रूट चालू करूंगा अपनी डाइट में। फ्रूट तो ठीक है क्योंकि वो रेडीमेड आते हैं। मिक्सिंग इसकी ठीक नहीं है, मतलब मिठास तुमने डाली नहीं है या कम लग रही है, इसकी मिक्सिंग ठीक नहीं लग रही। जिम कर रहे हो ना, चीनी डालूं? चीनी नहीं भाई, तुमने पूछा अगर चीनी नहीं है वो मेरे ठीक है, लेकिन एक कस्टर्ड का रिव्यू दूं? चलो एक चम्मच और खाओ इसे चलते फिर देना। फ्रूट्स का स्वाद ज्यादा आ रहा है। मेरी एक बंदी थी वो बना के लाती थी तो उसमें मिठास का स्वाद ज्यादा आता था। जहर डालती होगी तभी आज नहीं है।
तो भाई कलेश हो गया है, मेरी थार ना किसी ने तोड़ दी है और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, मेरे पीछे अक्षत था तो वो अक्षत तुरंत सर्विस सेंटर देख के चला गया क्योंकि लोगों काफी वीडियो बना रहे थे। तो वो सब मैं डालूंगा, मेरे अपने इंस्टाग्राम पे पूरी स्टोरी डालूंगा क्या हुआ मेरी थार के साथ क्या नहीं हुआ। तो ये ना मेरा इंस्टाग्राम, मेरे को फॉलो कर लो फटाफट, मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। तो कल वाले व्लॉग में पूरा सीन देखना कौन लोग थे और क्या करके गए मेरी थार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और भाई नोटिफिकेशन बेल होती है इसको दबा देना, इससे क्या है ना नोटिफिकेशन आ जाती है कि कल जब मैं वीडियो डालूं तुम पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। मेरे को भागने दो भी।